लर्न पंजाबी विद जगजीत सर। इस चैनल विच आप सब दा एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपनू बेनती करदा हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त कर ली साडे चैनल नू सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन दे बटन नू दबाओ। जेकर वीडियो आपनू पसंद आए तो लाइक करो, इस वीडियो नू होरां नाल वध तो वध शेयर करो। हेलो स्टूडेंट्स, लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आपका स्वागत। असी इस वीडियो विच व्याकरण का एक होर टॉपिक करन जा रहे, एक होर विषय करन जा रहे हाँ। वो दसवीं जमात की जो पिछेत्र का टॉपिक जिस विच तुहाडे तीन नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, असी उस पिछेत्र विचों करते हाँ। जिवें कि आप जी नूं पहले अगेत्र भी समझाया जा चुका, दस्या जा चुका है भी मूल शब्दों तो पहले उन्होंने अगे लगन वाले जो शब्द ने उन्होंने अगेत्र कहा जाता है। अगेत्र लगन नाल जां तां शब्द का मीनिंग पॉजिटिव हो जाता है जां फिर उसका मीनिंग नैगेटिव हो जाता है, उसका बुरा रूप या चंगा रूप बनाता है। तो रचे हुए शब्दों विच अगेत्र वाले शब्द आते हैं। हुण असी उसे मीनिंग विच, असी उसे अर्थां विच पिछेत्र वाले शब्द लैणे हैं। जदों किसी मूल शब्द के पिछे लग के कोई नवा शब्द रचिया जाए, उन्हां शब्दों नूं पिछे लगन करके असी उसनूं पिछेत्र कहने हैं। यानी मूल शब्द अगे लगा है और पिछेत्र उहदे पिछे लगा होया है, वो शब्द वो अक्षरों का जो रूप है पिछे लगा उसनों असी पिछेत्र वाले कहेंगे। हुण असी इस दे एग्जाम्पल लैने, एग्जाम्पल विच असी सब तो पहला जो एग्जाम्पल लैने वो लैने ऊ दा, ऊड़े तो असी लैने ऊ दा। ऊ दा मतलब है ऊ, कमाण वाला कमाऊ, गवाण वाला गवाऊ, लुटाण वाला लुटाऊ। यह हो गया पॉजिटिव और नैगेटिव गुण। यानी ऊड़ा ला के असी उसका पॉजिटिव या नैगेटिव रूप बनाता ऊड़ा ला के। फिर असं देखते हैं दूसरा जो रूप है, असं देखते हैं आई, आई पिछेत्र लाया। आई का मतलब है मलवई, मालवे के इलाके दे रहने वाला जो बंदा है वह मलवई है। जो बकरे चटका के उसका मांस वेदा उसनू कहेंगे चटकई। इस तरह होर शब्द है जो ग्रे कलर का उसनों असी कहेंगे सुरमई, सुरमे वर्गे रंग का। इस तो अलावा बहुत सारे शब्द आई शब्द नाल बनते हैं। अगला जो शब्द असी लैने उसनों लैने आई, तो आई लिख के असं लिखते हैं बुराई, बुराई चंगेआई। आई दे साउंड विचों निकलते हैं चंगेआई, बुरेआई, वडेआई, पखियाई। पढ़ तो पढ़ाई आई शब्द बनता है। इस तो असली ना आईया, आईया साउंड की पिछेत्र विच वरतों करके असी कहने पणवैया। पणवैया मीन्स भैन का घर वाला, जीजा, पणवैया। फिर असी कहने उसरैया, उसारण वाले नू असी कहने उसरैया। गुरु अर्जन देव जी दरबार साहब हरिमंदर साहब के उसरइए सन, उसारण वाले सन। फिर असी अगला लैने पंजवा, वो लिखते हैं आहट। आहट और आवट दोनों तरीके नाल लै सकते हैं। पहले असी आवट लैने, असी कहने लिख आवट, लिखावट, बनावट। आवट दे साउंड तो बोल के देखना वो साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। लिखावट, बनावट, सजावट, ए आवट दी साउंड विच आ रहे ने आवट। फिर असं लिखते हैं आहट, आहट, मुस्कराहट। आहट विचों वो आवट विचों लिखावट, ए आहट विच मुस्कराहट। फिर असं लिख सकते हैं हिचकिचाहट, हिचकिचाहट। अगला असं लै सकते हैं नाक, पिछेत्र लावांगे खतर, नाक। फिर असं देखते हाँ दर्दनाक, शर्मनाक। कोई बहुत माड़ा काम है उसने कहते हैं ए शर्मनाक काम है। फिर असी होर लैने ई, भलाई, नरमाई, ठीक है, जुगती, इनकलाब दे नाल ई लगाता इनकलाबी, संघ दिल दे नाल ई लाता संघ दिली, उसका सुभाव हो गया। इस तरह असं लिखते हैं सार, सार एक मुख शब्द है सार साढ़े कोल। सार दा आएगा मिलनसार, बंदा बड़ा मिलनसार है।
फिर चीज़ बड़ी हंडनसार है, चीज़ बड़ी लॉन्गर लास्टिंग चलेगी, हंडनसार। इस तरह मिलनसार, हंडनसार, ए सार शब्द दे पिछेत्र दे नवें बने शब्द ने। फिर अस लिखते हैं स्थान, ए बहुत ईजी है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, इस तरह के स्थान वाले शब्दों असी लिख सकते हैं, शैतान नहीं लिख सकते आप। फिर है साज, साज मतलब बनाना, घड़ी साज, जिल्द साज, जिल्द नूं लगाण वाला, जिल्द बनाउण वाला, घड़ियां दी सुधार करन वाला, घड़ी साज, जिल्द साज, ते जाल साज, जिहड़ा बंदा बड़ा बेईमान है जाल फैलांदा होवे, जाल साज। फिर शाला, बड़ा ईजी शब्द है, शाला दा मतलब घर, ग्रह, जगह, गऊशाला, यज्ञशाला, पाठशाला। ए शाला दे पिछेत्र तो बने नवें रचित होए शब्द ने। फिर हार, हार नूं असीं मुख शब्द जाणदे हां, हार असी कहने सिरजनहार, फिर अस कहने पालनहार, यानी वाला, पालन वाला, सिरजन वाला, तो चलनहार, जिन्हें दुनिया तो चले ही जाना है, सब जग चलनहार, सारी दुनिया जान वाली चलनहार। फिर लिखते हैं हीण, हीण तो किसी तो बिना, असी कहने हीण, अंगहीण, कोई बंदा हैंडीकैप्ट होवे, या ज्ञानहीन, 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 असीं नूं अज्ञानी, अगेतर ऐड़ा ला के भी अगेतर विच असीं शब्द बनाया सीगा हीण। फिर असीं लिखते हैं बलहीन बंदा है, बल तो बिना है, बलहीन, नेत्र नहीं है तो नेत्रहीन बंदा है। असीं इस तरह फिर अगला लै सकते हैं का, कक्का पहले अगेतर लाया सी, का पुत्र, कुकर्म, इस तरह। हुण असीं का पिछत्र लैना है, पाठक, पाठ तो बनया पाठक, बाल तो बनया बालक, इस तरह होर शब्द ने, लेखक, लेख तो शब्द बनया लेखक। फिर असं लिखते हैं का, गायका, ए स्त्री रूप है, स्त्रीलिंग रूप है, गायका, लेखिका, अध्यापका, असं अध्यापक नाल का कन्ना लगाता, लेखक नाल कन्ना लाता, लेखका बनाता, गायक नाल गायका लगाता, कन्ना लाता, फिर वह स्त्री रूप आ का लगन का स्त्री रूप हो के वो जड़े ने नवें रचित पिछेत्र वाले शब्द बनते हैं। फिर गीतकार, जड़ा का शब्द है कार, गीतकार, मूर्तिकार, और बड़ी बार कई हास्यवीणी गल होंगी, जो बच्चे कार तो मरुतिकार लिख लेंगे, मरुतिकार जो अलग अलग शब्द ने वो साडा कंसैप्ट नहीं है, मूर्तिकार है। फिर नावलकार है, नावलकार है। इस तरह कार शब्द पिछेत्र लगा के असी यह रचे हुए शब्द बना सकते हैं। इस तरह शब्द है खोर, खोर का मतलब खाण वाला, असी कहने आदम खोर, शेर आदम खोर हो गया, बंदे नू खाना शुरू करता, फिर असी कहने रिश्वत खानी शुरू करती, बंदा रिश्वत खोर हो गया। इस तरह खोर का मतलब है खाण वाला, तो इस शब्द ना साडा पिछेत्र वाले शब्द बने। फिर असं लिखते हैं गर, सौदागर, जादूगर, बाजीगर, सिकलीगर, एक शब्द है सिकलीगर, सिकलीगर गुरु गोबिंद सिंह जी नू बड़े प्यारे सन, सिकलीगर वो लोग होंदे सी जिहड़े गुरु साहब के बनाए हथियारों नू चमक देंदे सी, उसनू इस तरह अपनी कला नाल घिसदे सी, उन्हां विच चमक आंदी सी, और इन्नी लिश्क दियां तलवारां बनांदे सी। उस समय कोई निकल वगैरह कोई इदां दा कैमिकल तो हुंदा नहीं सी कि उन्हां नू तलवारां दे उत्ते चढ़ा के तो उन्हां चमकीलियां बनाई जाण, वो अपनी कला नाल। सिकलीगर इदां दा समुदाय सीगा, वो जात सूचक नहीं सीगा, वो कारज यानी प्रोफेशन सूचक सीगा, जिहड़े हथियारों नू चमका के उन्हां एकदम एकदम चमकीला बना दे, उन्होंने गुरु साहब सिकलीगर कहिंदे सी। गुरु साहब सिकलीगरां नूं बड़ा ही प्यार करते सी, पर समय दे रौं बदलन करके सिकलीगरां दी हालत इस तरह की हो गई, अज हज़ारां ही सिकलीगर ने, अज हज़ारां ही लुबाणे ने, अज हज़ारां ही होर कौमां ने। असी कहने सिख पंथ विच 2 करोड़ सिखां दी गिणती है, पर 12-15 करोड़ वो लोग ने जो वणजारे ने, जो इस तरह के सिकलीगर ने, या होर जो 12 करोड़ लोग ने, पर असी अपनी बदकिस्मती करके उन्होंने अपने सिख भरावां विच, सिख बिरादरी विच शामिल नहीं करते। असी हुण दे जो अंकड़े देखते हाँ तो सानू पता लगता है भी सिखां दी गिणती हिंदुस्तान 2 करोड़ नहीं है, वह सारे जो गुरु नानक साहब और गुरु गोबिंद सिंह के अनुयायी ने, भावें कई रूपों में सिख स्वरूप तो विछड़े ने, पर वह साडे भरा ने, कई लोग इन्हां दे उत्थान या भलाई लई बहुत सारे कार्य कर रहे ने, वह बड़े धनता दे पात्र ने, जो इन्हां सिखां भरावां जो मुख धारा तो असी आप विछोड़ दिता है उन्हां नू अपने नाल रलाण की कोशिश कर रहे ने। इस तरह बहुत सारे सिख या संस्थावां इस तरह के कार्य कर रहे ने, वह धन्नवाद दे पात्र ने। असी हुण करदे हां
गार, गार शब्द तो आएगा गुनाहगार, मददगार, यादगार, गार। उस तो बाद असी देखते हाँ बहुत सारे शब्द हैं साढ़े को, णी संतनी महानतनी ऊठनी, फिर जनक है हैरानी जनक है अपमानजनक है संतोषजनक है, फिर दान है रोशनदान फुलदान कदरदान खानदान, फिर दायक है इजी शब्द है फलदायक रसदायक लाभदायक दुखदायक असरदायक, फिर दार शब्द है असरदार दुकानदार जत्थेदार ठेकेदार, इस तो बाज है जुएबाज पत्तेबाज धोखेबाज पतंगबाज, फिर मान है शक्तिमान बुद्धिमान मूर्तिमान, ए वाले शब्द स्वै मान इस विच नहीं आएगा, स्वै मान अगेत्र वाला शब्द है। उस वक्त मंद है मंद सेहतमंद दौलतमंद फिक्रमंद, फिर मार चिड़ी मार गड़े मार कुड़ी मार, सिख पंथ विच कुड़ी मार लोगों नाल वरतन की मनाई है, वो लोग जो कुड़िया नू जमदे सारी मार ने या जन्म तो पहली मारते ने ते उना ने उना नाल वरतन की सिख पंथ विच बिल्कुल मनाही है। गुरु साहब ने आप कह कुड़ी मार नड़ी मार और सिर गुम, जो कुड़िया नू मारदे ने या हुक्का नड़ी मारदा मतलब हुक्का पीण वाले ने, सिर गुम दा मतलब सिख ने पर केस कटा ले ने सिर ते वाला नू गुम कर लिया, ऐसे बंदिया नाल वरतन दी रिश्तेदारी करन दी सख्त मनाही सिख रहत मर्यादा विच कीती है। इस करके कुड़ी मार नाल नहीं वरतना चाहिदा। कुड़ी मार मार शब्द पिछेत्र तो बने शब्द है, फिर आवट है सजावट है बनावट है मिलावट है रुकावट है, ए आवट तो ने, फिर वर है जानवर जोरावर ताकतवर, ए शब्द ने, वाल इंपोर्टेंट है भाईवाल महीवाल और कोतवाल, ए सारे पिछेत्र वाले शब्द ने। मैं बेनती करदा आप जी जरूर अपनी ग्रामर की किताब विचों व्याकरण की किताब विचों जो पिछे MCQ दिते ने उन्होंने जरूर करो, मैं लगता है भी 3 नंबर का यह जो प्रश्न है यह 3 नंबर पूरे करेगा। एक एक नंबर साढ़े विद्यार्थियों लिए बहुत कीमती है, यह एक एक नंबर थोड़े एग्रीगेट टोटल विच वाधा करेगा और तुम मां बोली पंजाबी की सेवा कर सकोगे। आप जरूर मां बोली पंजाबी बारे सोचो, इस वधाउण बारे सोचो, क्योंकि मां बोली पंजाबी लोगों वालों ही ढाल लग रही है। आप जी इस वल ध्यान दो, घर बाहर मां बोली अपनाओ ता जो साड़ी मां बोली प्यारी उच्चे थां ते विराजमान हो सके आदरयोग थां पा सके। मेरी बेनती है, बेनती ने जरूर स्वीकार करना, इस वीडियो नू अपने विद्यार्थी साथी नाल वध तो वध शेयर करना, कोई गल चंगी या माड़ी लगे जरूर शेयर करना ते साडा सहयोग करना असी इस चैनल नू होर चंगे पद्धर ते लैके जा सकीए। थैंक यू। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। नवी वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल नू सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन दे बटन नू दबाओ। जेकर वीडियो आपनू पसंद आए तो लाइक करो ते इस वीडियो नू होरां नाल वध तों वध शेयर करो।